गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बेटा हम लोग यहाँ पे सीए के रिगार्डिंग जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2018 में उनके रिगार्डिंग हम लोग अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट एज वेल एज जो बच्चे सीएस कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं और डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सीए के रिगार्डिंग भी बताऊंगा, सीएस के रिगार्डिंग भी और सीएमए के रिगार्डिंग। बाकी मार्केट में कई चीजों के लिए रूमर है कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और बच्चों के अंदर भी कई रूमर्स हैं कि ये चीज ऐसे हो गई और वैसे हो गई, वो रूमर्स भी मैं आपके दिमाग से खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर हम यूट्यूब में डालेंगे। तो यूट्यूब में देखने वाले बच्चे ऐसा ना हो कि वो घबरा जाए कि यार टीचर ने ऐसा बता दिया, किसी टीचर ने और कुछ बताया। तो मैं जो आपको बताऊंगा वो लीगली बताऊंगा, लीगली कैसे होगा मैं सेक्शन बताऊंगा, मैं नोटिफिकेशन बताऊंगा, मैं सर्कुलर बताऊंगा, और वो नोटिफिकेशन सर्कुलर और सेक्शन मेरे नहीं होंगे, लॉ मेकर्स के होंगे। तो क्रॉस चेक कोई भी कर सकता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। बाकी सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी आरटीपी इशू कर रखी है, वो आरटीपी की कॉपी मेरे पास है, जो बच्चे अटेम्प्ट दे रहे होंगे उनके पास उसकी आरटीपी आई होगी, और जिसके पास नहीं आई होगी वो फोटो कॉपी करा सकता है, और इतना उसके पास दिमाग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और जितना मैं लिख रहा हूँ उतना आपको भी लिखना है, ठीक है, तो लिखते चलो बस। तो सबसे पहले अपने पास रख लो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम यहाँ पे सीए, सीएस और सीएमए, हम तीनों ही कोर्स की बात करें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है बच्चा ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सीएस और सीएमए के लिए भी यही होगा, तो मैं एक चीज बता दूं कॉमन क्या है इस बार, फाइनेंस एक्ट 2017 तीनों में कॉमन है, तीनों में 2017 फाइनेंस एक्ट क्या है कॉमन है। नो डाउट कि सीए में जो अमेंडमेंट्स आती है वो 30 अप्रैल 2018 तक की रेलेवेंट होती है, और सीए इंस्टीट्यूट उसके लिए अपनी स्टैचुरी अपडेट्स और आरटीपी निकालता है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी अगर सीएस और सीएमए की बात करें तो मई का महीना 31 मई, वेरी गुड, चलो 31 मई तक रेलेवेंट होती है। बाकी सीएस इंस्टीट्यूट भी अपनी नोटिफिकेशन निकालता है, और जो कि वो निकाल चुका है, ओल्ड न्यू सब कुछ निकाल चुका है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सीए में आईपीसी में हो या इंटर में हो या सीएस में एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल में हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स क्या है, कॉमन लॉ है, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको फाइनेंस एक्ट अलग पढ़ाएंगे सीए वालों को और सीएस वाला अलग पढ़ेगा और सीएमए वाला दोनों पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे डालेंगे अमेंडमेंट नंबर 1, हम लोग इस सीक्वेंस में काम करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि टोटल अमेंडमेंट कितनी होगी आज की क्लास में, किस आज हमारा डे 1 है, और डे 1 में जो हम अमेंडमेंट कवर करेंगे वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। होपफुली मैंने सोचा है कि आज हम सारी इनकम टैक्स की अमेंडमेंट कर लेंगे, ठीक है, चलो। तो सबसे पहली अमेंडमेंट देखते हैं कि क्या है। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें जहां पे अमेंडमेंट नहीं हुई है, मतलब अभी 6 महीने में रिसेंटली अमेंडमेंट नहीं हुई है पर पिछले 6 महीने में हुई थी, और सीए इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न रहा है। देखो, मैं यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से, आपको फेस टू फेस मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जितना मैं बता दूंगा ना आप पेपर चेक कर लेना, 80 मार्क्स का मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ, आप खुद देख लेना सीए इंस्टीट्यूट सीएस सीएमए। पर यहाँ पे मेनली जो मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा वो सीए के रिगार्डिंग बताऊंगा, आप चेक करना, 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का 100% है, 100%। तो पहली अमेंडमेंट जो है हमारी, मैंने पहले ही बोला अमेंडमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर वो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2017 की होगी तो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो पहली जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो स्लैब रेट के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉपिक भी कवर करना, हम लोग यहाँ पे स्लैब रेट पढ़ने जा रहे हैं। और स्लैब रेट की बात अगर मैंने कर दी है तो उसके साथ साथ एक बात और हो जाएगी कि सर हमें फ्लैट रेट भी पढ़ने होंगे, यस और नो? अब यहाँ पे बात करते कि क्या कहानी है। तो टैक्स की कहानी स्टार्ट होती है रेट ऑफ टैक्स से, चार्ट वाइज हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ टैक्स से। और रेट ऑफ टैक्स में क्या होता है, दो बातें होती है, एक होता है कौन सा रेट, नॉर्मल रेट, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा, और दूसरा कौन सा होता है, स्पेशल रेट, दूसरा होता है स्पेशल रेट।
अगर मैं नॉर्मल रेट की बात करूं तो यहां पे भी दो रेट होते हैं, एक स्लैब रेट और एक फ्लैट रेट। तो यहां पे भी दो रेट आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो स्लैब रेट किस किस के रिगार्डिंग है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और एक आदमी और होगा पर नॉन रेसिडेंट। ये थोड़ा स्टार लगा के इसकी कुछ कहानी अलग है, इसलिए मैंने स्टार लगाया वहां पे। फ्लैट रेट किसके ऊपर लगेगा, कंपनी आ जाएगी, पार्टनरशिप फर्म आ जाएगी। हमारे सिलेबस में दोनों ही है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, और किसी और तो नहीं है कोई, ठीक है। तो और किसी की हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे कि और किसी का क्या होगा। बाकी अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में दो कंपनी होती है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। और अगर बात करें डोमेस्टिक कंपनी के रेट की तो डोमेस्टिक कंपनी का जो रेट है वो 30% है और फॉरेन का 40 है, पार्टनरशिप का 30 है इंक्लूडिंग एलएलपी। तो अगर रेट ऑफ टैक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, ये सारे लोग आ गए यहाँ पे। और पहला अगर स्लैब देखोगे तो 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, फिर उसके बाद 20% है, फिर उसके बाद 30% है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन भी डाला है, इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद जिनकी एज 60 या 60 से ज्यादा है बट लेस देन क्या है 80 है, मतलब कि सीनियर सिटीजन, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन के लिए क्या है 3 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 3 लाख है। उसके बाद अगर जो लोग 80 साल वाले या 80 से ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए 5 लाख है। सर आपने ये क्यों बताया, ये तो हमें पता था बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर साइलेंट हुआ तो हम लोग 2.5 लाख मान के चले। तो ये थोड़ी सी गलती हो सकती है एग्जाम में, ठीक है, स्लैब रेट के रिगार्डिंग, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो हम 2.5 लाख मान के चलेंगे, मतलब कि लेस देन 60 ईयर्स हम लोग अजम्पशन लेके चलते। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो है बताने लायक वो आपको बताते हैं। यहाँ पे कंपनी के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी तो उसका रेट कितना है 30%। पर यहाँ पे एक चेंज है, और वो चेंज क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर 15-16 के अंदर आपकी टर्नओवर या आपकी ग्रॉस रिसीव्ड 50 करोड़ या उससे कम है, तो उस केस के अंदर 25% टोटल इनकम के ऊपर फ्लैट रेट लगेगा। तो बस आपको कंपनी के रिगार्डिंग यही लिखना है, कंपनी के रिगार्डिंग नीचे एक नोट लिख लो। और कौन सी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, तो उसमें क्या लिखो, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड। क्या लिखोगे, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही लिखना है, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड प्रीवियस ईयर 15-16। लॉ मेकर ने 15-16 लिखा है, देख लो, मैं आईसीएआई का ही मटेरियल आपको दिखा रहा हूं, मतलब कि कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, मैं अपने आपसे नहीं बोल रहा। और प्रीवियस ईयर 15-16 अप टू कितना, 50 करोड़ या 50 करोड़ से कम, 25% टोटल इनकम के ऊपर फ्लैट रेट लगेगा। अदर केसेस में 30% लगेगा। उसके बाद 40% आपको पता है फॉरेन कंपनी के ऊपर लगता है। बीच में एक चक्कर है कि 50% भी फॉरेन कंपनी के ऊपर रेट है। बाई चांस आपको पता होगा कि इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ओल्ड हो या न्यू हो, अगली बार आएंगे, ठीक है ना, तो आपके उसमें नहीं आएंगे, मतलब जो इसके बाद अटेम्प्ट देने जा रहा होगा, अगर बाई चांस वो कोई बैठा हो, तो ये 50% वाला वहां पूछा जा सकता है, इस बार नहीं पूछा जाएगा, नो रेलेवेंस, छोड़ दो इसको, 50% करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉरेन कंपनी 40% 50% करने की जरूरत नहीं, बट कोई सीएस वाला बच्चा है तो ये डेटे याद करेगा और ये 50% पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट नोट लिख लेगा 50% के लिए, और बाद में ये डेटे उसकी बुक में लिखी हुई है वहां से कर लेना। 50% आ सकता है पर सीए में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल रेट है, ठीक है,
तो ये स्पेशल रेट की हमें टेबल करनी है, लिख लो स्पेशल रेट में हमें कौन कौन सा सेक्शन हमें पता होना चाहिए। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 111 कैपिटल ए, 111 कैपिटल ए 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना ही लिखते चले जा। 111 कैपिटल ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। एक चीज वहां पे नोट कर लेना कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 15% वो तीन चीजों के ऊपर लगेगा। पहला इक्विटी शेयर्स, पहला कौन सा इक्विटी शेयर्स, तो पहला जो है वो इक्विटी शेयर्स है। दूसरा आपका यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इन सब में कितना परसेंट लगेगा, 15% चार्ज किया जाएगा। उसके बाद 115 बीबी विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% है, आपको पता ही होगा। उसके बाद 115 बीपीडीए, ये भी आपको पता होगा डिविडेंड के ऊपर लगता है। अगर डिविडेंड साल में 10 लाख से ज्यादा का आपको मिले तो 10% का यहाँ पे स्पेशल रेट लगेगा। और 115 बीपीई अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर कोई इनकम आप इनकम डिस्क्लोजर, अगर कोई भी इनकम आप डिस्क्लोज करते हो तो 115 बीपीई में 60% आपसे टैक्स लिया जाता है। सानिया लिख लिया, कंप्लीट डन, वेरी गुड। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई, सीधे 115 बीबी लिखना था, लॉटरी लिखते थे कहानी खत्म हो जाती। 115 बीबीडीए डिविडेंड लिखना था, एग्रीगेट वैल्यू 10 लाख से ज्यादा 10%, और 115 बीबीई अनडिस्क्लोज इनकम, बाकी सेक्शन बता रखे 60%। डन, पक्का, आगे चले। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास पाइपलाइन में वो है 87 कैपिटल ए, तो अमेंडमेंट नंबर टू। और अमेंडमेंट नंबर टू अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 87 कैपिटल ए के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, सेक्शन 87 कैपिटल ए के रिगार्डिंग। और सेक्शन 87 कैपिटल ए में क्या हुआ है, रिबेट का सेक्शन है, रिबेट फ्रॉम टैक्स पेबल, जो भी आपका टैक्स पेबल होगा उससे आपको क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। जो भी आपका टैक्स पेबल होगा उससे आपको रिबेट मिलेगी। और यहां पे बोला गया है कि रेजिडेंट होना चाहिए, तरुण क्या बोला गया है, रेजिडेंट होना चाहिए, और इस रेजिडेंट की टोटल इनकम अप टू, पहले 3 लाख हुआ करती थी, ठीक है ना, तो पहले 3 लाख होती थी, 3 लाख हट गया, मैं जानबूझ के देखो रेड लिख रहा हूं और क्रॉस करके नीचे 3.5 लिख रहा हूं, ये चेंज आया जिससे कि आप लोगों को पता रहे सर ने ऐसा किया, क्योंकि पीछे पापी बच्चे बैठे होते हैं फिर दिक्कत होती है, पूरी रूम में 3 लाख चला जाता है और आप 3 लाख में फंस जाते हैं और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर फिर 3 लाखें पड़ती हैं। तो 3.5 लाख यहाँ पे प्रोविजन क्या है, प्रोविजन क्या है यहाँ पे, ए बी 100% टैक्स पेबल, 100% टैक्स पेबल आपका, और यहाँ पे और लिखा हुआ है, और 2500 रुपए विच एवर इज लोअर, इन दोनों में विच एवर इज लोअर वो का। तो पेपर में इस बार क्या आने वाला है, पेपर में इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पक्का इस बार आने वाला है। 87 कैपिटल ए 100%, क्वेश्चन भी बता दूं कैसा आएगा, क्या आएगा वो क्वेश्चन आपको बता दें। प्रोविजन सबको समझ में आ गया कि रेजिडेंट होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम अप टू 3.5 लाख होनी चाहिए। एज कैटेगरिया यहाँ पे नहीं है, एज कैटेगरिया यहाँ पे नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको पता है अगर कोई 80 साल का होगा तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा ही, ऑटोमेटिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ है। असली में पहले ये लिमिट कितनी थी, 5000 रुपए, तो कोई अगर लिखना चाहे तो 5000 लिख के काट दे, पहले 5000 होती थी, अब कितनी हो गई है, 2500। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं तुमने गलत पढ़ ली, 5000 ही है,
और 2500 तो हुई नहीं है, तो मैंने बता दिया आपको कि पहले 5 थी और अब 2500 हो गई, तो आपको 2500 याद रखनी है कि अब 2500 है। और अब क्वेश्चन कहाँ से, बच्चे पेज रेफर कर सकते हैं, पेज है आपके पास पेज नंबर 1.40 और मैंने क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अगर सीए के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरे हिसाब से लॉलीपॉप है, लड्डू है। ठीक, आगे हम लोग चल रहे हैं, चैप्टर वन हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर वन में कुछ नहीं आना। हाँ, एक्साइज में कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक्साइज में क्या क्वेश्चन है आप लिख लो, सीए वाले बच्चे एक्साइज में क्या क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपकी। पेज नंबर 1.41 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी ये टाइम मुझे कभी नहीं मिला आपको समझाने का कि एमएमआर क्या होता है, और एमएमआर होता क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसका रेट लिख लो। हाँ जी, 35 नंबर का स्टैंड था जहां आप खड़े होते थे और 535 नंबर की बस पकड़ के आप निकलते थे, तो 35.535% एमएमआर का रेट है। बाई चांस आपसे पूछ ले कि एमएमआर का रेट क्या है, बाई चांस पूछ ले, तो 35.535%। मैं लिख देता हूं किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, तो एमएमआर का जो रेट है वो रेट है 35.535%। और ये सब कुछ कैसे आया है, असली में जो रेट है इसका नॉर्मल रेट जो है वो 30% है, उसके बाद आपको पता है सरचार्ज का एक प्रोविजन है और यहाँ पे 15% सरचार्ज है और एजुकेशन सेस और सैक है, तो 2 और 1 टोटल हो गया 3, ये सारा कर लेना, यही आपके पास रिजल्ट आ जाए। ठीक है, बाकी हमारे सिलेबस में ये नहीं है, बाई चांस इतना पूछ सकता है एमएमआर है क्या। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सैलरी में भी आपके ऊपर एमएमआर लग सकता है, या आपका क्या था कॉन्सेप्ट एओपी के केस में सेक्शन 167B, वहां पे आपके ऊपर एमएमआर लग सकता है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। सीए के सीएस वाले के सिलेबस में है, और सीएस वाला इसे असेसमेंट ऑफ एओपी के अंदर पढ़ता है और असेसमेंट ऑफ एओपी में सेक्शन 167B में पढ़ा जाता है ये। बाकी मैं सीए वाले बच्चों के लिए टीडीएस के प्रोविजन में थोड़ा सा बताऊंगा, सीए वाले बच्चों के लिए टीडीएस के प्रोविजन में बताएंगे कि क्या कहानी है। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर से, एसएससी क्या होता है आ सकता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अगेन कहूंगा सिंपल क्वेश्चन है, आप लिख के आना वहां पे एसएससी क्या होता है। प्लीज फालतू का कुछ मत लिखना, सीधे आपको कैसे लिखना है, किसने लिख दी कहानी, आप ऐसे मत लिखो। आप कैसे लिखोगे एग्जाम में वो मैं आपको थर्ड डे बताऊंगा, बट मैं अभी एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में मेरा भी टाइम इतना नहीं जा रहा। आप सीधे ऊपर हेडिंग डालोगे प्रोविजन, क्योंकि आप थ्योरी का आंसर लिखने जा रहे हैं, तो प्रोविजन आपने हेडिंग डाली उसको पता लग गया बच्चा प्रोविजन बताने जा रहा है। प्रोविजन हेडिंग डाली उसके नीचे लिखोगे एज पर सेक्शन 2, आप ऐसे मत लिखना 7, आप लिखना सेक्शन 2 क्लॉज 7। ठीक है, और कौन सा एक्ट है ये, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये प्रॉपर आपकी हेडिंग होगी। ऐसे आप लिख के तो आना, आप लिख के आना, आप देखना कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो हेडिंग हम लोग ऐसे डाल देंगे अपनी कि हम लोग प्रोविजन बताने जा रहे हैं, उसको पता लग गया प्रोविजन ये बताने जा रहा है। सेक्शन पूरा लिख के आना, मैं भी लिख देता हूं कमीज, सेक्शन 2 क्लॉज हाँ जी 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, ए हमेशा कैपिटल होगा और आप पूरा फिर वही इनकम टैक्स एक्ट पूरा लिख के आएंगे और 1961 ये आपकी हेडिंग हो गई। कोई भी बच्चा वहां पे चार्ट बना के नहीं आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे चार्ट में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सीधे लिखना है एसएससी मींस। फिर ये जब पैरा खत्म हो जाएगा दूसरे में है क्या, एसएससी इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में क्या है, 3 बातें, ए आप ऐसे ही बताएंगे, बी और सी आप इसी पैटर्न में लिखेंगे। पहले में आपने बताया एसएससी मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, फिर एसएससी डिफॉल्ट इसके अंदर आता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मींस उसने बता दिया, वही एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी। ठीक है जी, मतलब ये इसने वर्डिंग लिखी है एनी अदर सम ऑफ मनी, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, एसएससी मींस एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी विच इज पेबल।
अंडर द इनकम टैक्स लिमिट। तो हमने मींस पार्ट को काफी बड़ा लिख दिया एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद इंक्लूड्स में इन्होंने चार बुलेट बनाए हैं, आप तीन बना के आ जाओ बहुत है। और यहाँ पे कहीं पे एसएससी इन डिफॉल्ट भी लिखा होगा, ठीक है ना, लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है। तो कहानी कुछ समझ में आ रही है, वो आप ए बी सी में लिख के आ जाओ। अगर आपको लग रहा है मुझे डी भी लिखना है, आप लिख लो, आ रही है इसी बात समझ में। तो इस तरीके से आप लिख के आओ, थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका ये है। कम टाइम है, प्रोविजन वर्ड नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, प्रोविजन वर्ड नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, पर यही तरीका होगा, इसी पैटर्न में आप लोग लिखेंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा, आपके 5 से 10 नंबर बढ़ने वाले, सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चले आगे, प्रॉमिस है आपसे, 3 दिन आप यहाँ पे लग के मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं, और फिर आप रिजल्ट देखो हमारा रिजल्ट क्या आता है, सारे बच्चों का रिजल्ट, सारे बच्चों का। मैं कोई चीज यहाँ पे मिस नहीं कर रहा, मैं कोई जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं हूं। थर्ड क्वेश्चन कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नहीं, आप हाँ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मार्क करो, आ सकता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन और है ये एग्जाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आ सकता है, मेरी बुक के अंदर आपको पता होगा, एक यहाँ पे चार प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है, पर उसकी एक्सेप्शन है कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। वैसे तो ये जो है फेवरेट टॉपिक किसका है, सीएस इंस्टीट्यूट का है, और हमेशा वो पूछता है। तो इन जनरल रूल क्या है, ये कुछ मैं और मिसलिनियस चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ चैप्टर में। तो इन जनरल रूल क्या है, प्रीवियस ईयर इनकम इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर, बट उसकी एक्सेप्शन है इस रूल की कि प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। और यहाँ पे कुछ सेक्शन है 172, ठीक है ना, 174 कैपिटल है, 175 176, ये सेक्शन भी प्लीज आप याद कर लें। ये देखो लिखा भी यहाँ पे 172 शिपिंग बिजनेस, ठीक है सानिया, नोट कर लो बस इतना। क्या नोट करना है, बस ये नोट करना है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएस एज वेल एज सीएस सीएमए के लिए भी इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्वेश्चन है, बट थ्योरी क्वेश्चन है, और सबके पास मेरा नंबर है, प्लीज कोई डाउट आता है आप रात को 12 बजे भी मैसेज कर दो, बस रिप्लाई का वेट मत करना कि रात को 12 बजे मैं रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई 100% आएगा। आपको लगेगी सर हमारे पास पैसे नहीं है फोन करने के, आप मुझे मैसेज कर देना कि सर आप मुझे बस फोन कर लो, आगे बात समझो, मैं फोन करूंगा आपको। वैसे सर आजकल तो फ्री हो गया, सेक्शन है यहाँ पे, हाँ उनको एक्सप्लेन करना है बेटा, सेक्शन को एक्सप्लेन करना है, 172 में क्या लिखा है, 174 में क्या लिखा है, 175 में क्या लिखा है, 176 में क्या लिखा है, टोटल वैसे 5 है, ये लो सानिया लिखो, बस बेटा ये हेडिंग लिखनी थी और कुछ नहीं, ये घर जाके काम है आपका तरुण, क्या काम है कि ये सारा करके आना है। आईआईएम के अंदर जो आईआईएम से अहमदाबाद से जो लोग करते हैं तो उनको काम दिया जाता है, तो आपको ये काम दे रहा हूं मैं, जो करके आएगा वो क्लास में बैठेगा, नहीं करके आ रहा नहीं बैठेगा, सीधी बात है, हम प्रूफ करेंगे, जितने बच्चे बैठे थे 3 दिन उनके 60 आए, कहानी खत्म, हम प्रूफ करेंगे, जो बैठ के गया वो उसके आ गए 60, कहानी है बस, 60 तो हमें हर हाल में लेने चाहे कुछ हो जाए। ब्लैक कमांडो 72 आवर्स एक पोजिशन में बैठता है या खड़ा रहता है, ब्लैक कमांडो, आदमी पता नहीं लगा कोई खड़ा है या बैठा है। तो क्या हम लोग 3 दिन पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते, चार्टेड अकाउंटेंट में बहुत पावर है। एक चीज बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो यहां पे ये दिया हुआ है जैसे सरचार्ज का क्वेश्चन या मार्जिनल मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो एक पॉइंट बोलूंगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट पढ़ के चले जाना, ठीक है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पढ़ के चले जाना, बाई चांस हो सकता है आपको दे दे, ठीक है ना, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। और एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क जो मुझे लगता है कि इस बार इंस्टीट्यूट पूछेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी उसने कुछ पूछा है, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम शायद उसने एक्सेप्शन या और उसके साथ कुछ पूछा था, डिडक्शन में प्रोविजन में
प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस बार एक गूगली क्वेश्चन ऐसा सर्कुलर या नोटिफिकेशन आ सकता है कि सर्कुलर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। बाकी हमारे पास वो हैंडआउट आ रहा है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थर्ड डे, ठीक है ना। तो सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, वन मार्क क्वेश्चन, कितने नंबर का आया था लास्ट टाइम, वो पांच नंबर का आया था, पांच नंबर का, आप पांच नंबर का तैयार करो, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, पांच नंबर आपके लिए होमवर्क है, मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी, एक मार्जिनल का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मार्जिनल रेट भी पेपर में आ सकता है, और मार्जिनल रेट जो आएगा मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस सीए में इंडिविजुअल के रिगार्डिंग ही करके जाना, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग और किसी के रिगार्डिंग आपको करके नहीं जाना। और ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, कुछ वैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो देखो लिखा भी यहाँ पे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन रिलीफ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एक्सप्लेन द मार्जिन रिलीफ, ये एग्जाम में आ सकता है, बाकी प्रैक्टिकल भी आ सकता है इसका, और प्रैक्टिकल जो आएगा वो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टार बनाया था नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग, और वो नॉन रेजिडेंट के रिगार्डिंग जो मैंने स्टार बनाया था वो क्यों बनाया था, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट है ना बेटा, उसको बस नॉर्मल रेट लगेगा, मतलब नॉर्मल, मतलब नॉर्मली वो ढाई लाख के स्लैब में आएगा। तो लिख लो नॉन रेजिडेंट का एज क्राइटेरिया इनरेलेवेंट, नॉन रेजिडेंट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एज क्राइटेरिया इनरेलेवेंट, और इसको 987 कैपिटल ए मिलेगा, इसको चाहे इसकी इनकम 3 लाख हो तो भी इसे 87 कैपिटल ए नहीं मिलना, इसको 87 कैपिटल ए नहीं मिलना, बात समझ में आ रही है, तो इसे 87 कैपिटल ए नहीं मिलता, और इसके ऊपर सीधे क्या लगेगा, पहला ही स्लैब लग जाएगा 2.5 लाख का। तो एज क्राइटेरिया इररेलेवेंट, 87 कैपिटल ए इररेलेवेंट, बच्चा ये मिस्टेक करता है, मैंने इसलिए बताया, ठीक है। पहला चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ, कितनों को ऐसा लगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स, चलो जी सभी ने बोला है सभी को सीखने को मिल रहा है। चलो चैप्टर नंबर टू में आ जाते हैं, और चैप्टर नंबर टू किसके रिगार्डिंग है, रेजिडेंशियल स्टेटस।